फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल सजेशंस और अपने कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि अगली बार हम इससे भी अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस आपके लिए ला सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ठंड जैसे जैसे बढ़ने लगती है, हम अपने अपने घरों में सिमटने लगते हैं और कंबल रजाइयों में दुबक जाते हैं। तेज ठंड में घर से बाहर जाने के नाम पर ही सर्द हवाएं महसूस होने लगती हैं। भारत में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए लोग शिमला मनाली जैसे ठंडे इलाकों में जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जिसे दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में शामिल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं साइबेरिया की, जहां दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। यहां का कोना कोना साल भर बर्फ से ढका रहता है। हमारे यहां ठंड बढ़ते ही सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। आमतौर पर प्रचंड गर्मी और कड़ाके की ठंड में एक एक महीने के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं। वहीं रूस के ओयम याकोन नाम के इलाके में -51 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी स्कूल खुल रहा है। बच्चे कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म कपड़ों से अच्छी तरह ढक कर इस कूल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस स्कूल के बारे में, आखिर इतनी ठंड में यहाँ कैसे होती है पढ़ाई। रूस के ओयम याकोन नाम की जगह में ये स्कूल स्थित है, जहाँ तापमान अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस गांव की कुल आबादी लगभग 500 है। ओयम याकोन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पानी जमता नहीं हो, लेकिन यहाँ पानी से लेकर इंसान भी जम गया है। साल 1924 में यहाँ सबसे कम तापमान -72 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस जगह को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड के बावजूद छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करने पहुंचते हैं, और ये स्कूल 11 साल या उससे कम उम्र के छात्रों के लिए तभी बंद होता है जब तापमान -52 डिग्री या उससे कम चला जाता है। यहाँ पोस्ट ऑफिस और बैंक जैसी कुछ बहुत बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इस बेहद दुर्गम और चुनौतीपूर्ण जगह पर भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है, और स्कूल में आने वाले बच्चों के साथ ही पेरेंट्स और स्टाफ को भी स्कूल में एंट्री करने से पहले टेम्परेचर चेक कराना होता है। किसी भी छात्र या स्टाफ की तबीयत खराब होने पर तत्काल उसकी कोविड जांच कराई जाती है। इस स्कूल को साल 1932 में स्टालिन के राज में बनवाया गया था। इस स्कूल में खारा तुमुल और बेरेग युर्डे गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ के लोकल फोटोग्राफर सेमियोन कहते हैं, मैं 8 दिसंबर को करीब सुबह 9 बजे शूट कर रहा था और यहाँ का तापमान उस समय -51 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगातार अपने ग्लव्स पहने रहना था, हालांकि वे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन अगर मैं उन्हें नहीं पहनता तो मेरी उंगलियां पूरी तरह से जम जाती और मुझे फ्रोस्ट बाइटिंग की समस्या हो सकती थी, जो अत्यधिक ठंड के चलते उंगलियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के बच्चे कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए स्कूल जाते हैं। वे कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो कभी कभी अपने डॉग्स के साथ भी होते हैं। बच्चों के इस जज्बे ने सेमियोन का भी दिल जीत लिया, और वे इनके इस जुनून से हैरत में भी थे। वे बताते हैं कि धड़कन तक को जमा देने वाली इस ठंड में बच्चों का आराम से स्कूल आना मौत से लड़ने जैसा ही है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि -50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइपोथर्मिया होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। हाइपोथर्मिया एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का तेज होना, घबराहट होना जैसी कंडीशन होने लगती है, जिससे मौत भी हो सकती है। इस तापमान पर डॉक्टर्स लंबी लंबी गहरी सांसें लेने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि इस तापमान पर सिर्फ सांस लेना भी तकलीफदेह हो सकता है, और बेहद ठंडी हवा फेफड़ों में भर जाने का खतरा भी होता है, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इस इलाके में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि सामान्य जनजीवन भी काफी चुनौतीपूर्ण है। इस जगह का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। 1930 में यहाँ फौजी कुछ समय के लिए रुकते थे, तब यहाँ कोई नहीं रहता था।
फिर सरकार ने ये जगह नोमैडिक लोगों को दे दी और लोग यहाँ आकर बस गए। यहाँ न नल से पानी निकलता है और ना ही गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ गाड़ियाँ चलाने के लिए पहले हीट गराज में गाड़ी को रखना पड़ता है या गाड़ियों को हर समय स्टार्ट रखना होता है। यहाँ लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो चेहरा बर्फ से ढक जाता है और पलके तक जम जाती हैं। यहाँ कोई फसल नहीं उगती, लोग मांस खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ रेंडियर और घोड़े के मांस के अलावा लोग स्ट्रोगगीना मछली का खूब सेवन करते हैं। यहाँ के लोग ऐसी ही कई जटिल चुनौतियों का सामना साल भर करते हैं। हार्ड कपाने वाली ठंड पर इंसानी जज्बे और जुनून की जीत वाली इस सच्ची कहानी को सलाम। रेड फ्रेम क्रिएशंस की रिपोर्ट।